सोलन में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानित श्रीनिवासन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रेशमधर सूद विशेष रूप से मौजूद रही। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रेशमधर सूद ने अपने वृत्त राष्ट्रीय अध्यक्ष वानित श्रीनिवासन के समक्ष रखे। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कोविड काल में कार्यों की एक पुस्तिका ई बुक का भी विमोचन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश में वन बूथ 20 महिलाएं पालिका योजना के तहत कर रही हैं, वो आने वाले समय में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कोविड-19 संकट काल के समय महिला मोर्चा ने फेस कवर बनाए और बेहद तादाद में हिमाचल प्रदेश की जनता में भी इन्हें वितरित किया और महिला मोर्चा के कार्य की सराहना पूरे देश में हुई है। उन्होंने बताया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश इकाई देश भर में पहली इकाई थी जो डिजिटल हो रही है और महिला मोर्चा भी डिजिटल होने के मार्ग पर अग्रसर है। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री के बीच हुए विवाद को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कानून व्यवस्था भी प्रदेश में बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि प्रदेश के अधिकारी सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो ये उनका निजी राय हो सकता है, वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने 3 वर्ष में विकास के नई गाथाएं लिखी हैं और मुख्यमंत्री के सानिध्य में प्रदेश चहुंमुखी विकास कर रहा है। इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है, उसमें चाहे कानून व्यवस्था की बात है चाहे अन्य बातें हैं, माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में है और पिछला 3 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है प्रदेश सरकार ने विकास के मामले की हम बात करें अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और आने वाले समय में भी इस प्रकार से मजबूती के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। और फिर अनुराग ठाकुर ऐसी बात की, देखिए मुझे इसकी इस विषय में मैं नहीं कहना चाहूँगा, किसी के निजी विचार होंगे और मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता।